यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। इस बात के साक्षात प्रमाण प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा लगातार प्राप्त होते जा रहे हैं। सो आज की वीडियो में पवित्र आत्मा एंटी क्राइस्ट के प्रमुख हथियार की जानकारी देने वाला है, ताकि प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाले प्रत्येक मनुष्य स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा अंत के दिनों में आने वाले आतताई से कर सके। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल में आप सदैव इसी प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। यीशु मसीह के आने से पहले नजर आने वाले शैतान को धर्मशास्त्र बाइबल में एंटी क्राइस्ट या 666 कहा गया है। अंतिम दिनों में यह किस प्रकार नजर आएगा, आप हमारे शुक्रवार के वीडियो में जान चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आज पवित्र आत्मा उसके प्रमुख हथियार की जानकारी देने वाला है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके एक अध्याय के 28 पद में परमेश्वर ने मनुष्य को पहली आशीष, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने अधिकार में कर दो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। दोस्तों, इस आशीष से शैतान जल उठा और अजगर का रूप धारण करके क्या किया आप सभी जानते हैं। यदि नहीं जानते तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय को अवश्य पढ़ें। उसने मनुष्य को परमेश्वर की आशीषों से दूर कर दिया और फिर लगातार प्रभु परमेश्वर की उत्तम सृष्टि मनुष्य को भटकाने के प्रयास में लगा रहा। अंतिम दिनों के आते ही वो अपने प्रहार को और भी तेजी के साथ करेगा। दोस्तों, प्रहार वही कर सकता है जिसके पास हथियार हो। सो इस युग में नजर आने वाला शैतान, जो एंटी क्राइस्ट का रूप धारण करके आएगा, उस हथियार को लेकर आएगा जिसके द्वारा वह आसानी के साथ परमेश्वर की आशीष को समाप्त करके मनुष्य को पाप का अधिकारी बनाएगा, नर्क की आग का हिस्सेदार बनाएगा। आरंभ हो चुके वर्तमान युग का प्रत्येक मनुष्य स्वयं को अत्यंत ज्ञानवान समझता है, अर्थात कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 8 अध्याय के 1 पद में लिखे वचन के अनुसार आज के अधिकतर मनुष्य घमंड से भर चुके हैं। सो वे वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। कार्य करने के बाद परिणाम के समय ही उन्हें पता चलता है कि उनके द्वारा किया गया कार्य सही है या गलत। सो उनकी इसी मनुस्थिति का लाभ उठाकर शैतान मनुष्य को परमेश्वर की आशीष से दूर करता जा रहा है। आज की अधिकतर बहनें सही या गलत का विचार किए बिना ही स्वयं के शरीर को अपने प्रेमी के सामने परोस देती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें उस दंड का भागीदार बनना पड़ता है जो उन्हें नर्क की आग में जला सकता है। पर आज के मनुष्य शैतान के भ्रम जाल में फंस कर नर्क और स्वर्ग को भूल चुके हैं। सो वो कार्य कर गुजरते हैं जिस कार्य के द्वारा परमेश्वर द्वारा दी गई पहली आशीष को स्वयं खो देते हैं और साथ ही स्वयं अपने निर्दोष और अबोध संतान के कातिल बन जाते हैं। वो संतान जो उसी का अंश है, उसी संतान की वो स्वयं अपने हाथों से बलि चढ़ा देते हैं, उन्हें मृत्यु के घाट उतार देते हैं, दोस्तों मार डालते हैं। सो गर्भपात एंटी क्राइस्ट का वह हथियार है जिस हथियार के द्वारा वो परमेश्वर द्वारा दी गई आशीष से मनुष्य को दूर करता जा रहा है। आवर्षण के बाद कितनी ही बहनें ऐसी हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पाती।